कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा के एक रैली में सदी के महानायक अमिताभ बच्चन और उनकी बहुरानी ऐश्वर्या राय बच्चन को लेकर एक बड़ा स्टेटमेंट दिया था, जिसके बाद वे काफी सुर्खियों में आ गए थे। राहुल गांधी ने एक रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए अमिताभ बच्चन पर तंज कसा था। अब अमिताभ बच्चन ने एक पोस्ट शेयर किया जिसे लोग राहुल गांधी के बयान का रिएक्शन समझ रहे हैं। हालांकि बिग बी ने किसी का नाम नहीं लिया। उन्होंने एक्स ट्विटर हैंडल पर कहा, वर्कआउट करने का समय आ गया, शरीर की गतिशीलता, मन का लचीलापन, बाकी सब इंतजार कर सकते हैं। अमिताभ बच्चन ने एक ब्लॉग भी शेयर किया जिसमें उन्होंने अपनी जिंदगी के हालिया दिनों के बारे में बात की है। अभिनेता ने कहा, लंबे समय के बाद कार्य यात्रा, लंबे समय के बाद बेस से अनुपस्थित, लंबे समय के बाद रविवार को जीओजे में नहीं हो पाना। अमिताभ बच्चन ने कहा, अधूरा लगता है लेकिन जीवन चलता रहता है और जारी रखने की इच्छा कभी खत्म नहीं होती, न कभी कम होती है। पंडित या बुद्धिमान तो सलाह देते रहते हैं और वास्तविक कुछ और है, फिर भी हम टिकते हैं और कोशिश करते रहते हैं। इसके अलावा अमिताभ बच्चन ने चाहने वालों को सपोर्ट के लिए धन्यवाद किया। रामपुर खास असेंबली के लालगंज इंदिरा चौक में आयोजित एक रैली में राहुल ने कहा था कि अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में पीएम मोदी ने देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को न्योता देने के बजाय उद्योगपति और अमिताभ बच्चन समेत अभिनेताओं को बुलाया गया था। यही नहीं, एक और रैली में उन्होंने अमिताभ बच्चन और ऐश्वर्या का मजाक उड़ाया था। राहुल ने कहा था, अमीरों के लिए कालीन बिछी है और गरीबों के लिए कुछ नहीं। टीवी में ऐश्वर्या राय डांस करते हुए और अमिताभ बच्चन बल्ले बल्ले करते दिखेंगे। राहुल ने यह भी कहा कि राम मंदिर आयोजन में कोई गरीब या मजदूर नहीं, बल्कि अमिताभ, ऐश्वर्या, अडानी और अंबानी दिखाई दिए। इंडिया 24x7 लाइव टीवी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।